फेयर कितना पड़ा वो तो आप थंबनेल से देख ही लोगे, और लेकिन वो आपको कैसे मिलेगा वो मैं ब्लॉग के एंड में बताऊंगा आपको, तो जुड़े रहिए। ये हमारी बस है, यहाँ पे चढ़ी रहे और अभी स्टार्टिंग की सीट है ये दोनों। ये इसका ड्राइविंग कंट्रोल, तो कैमरे लगे हुए हैं, देखो मोटर लगने के लिए होल्डर है, इसी वन से लाइट भी बने, कंफर्टेबल सीट है। और ये 5 मिनट की देरी से हमारी बस चले लग गई है। गाइस किसी का कोई पैसेंजर नीचे है भैया, हमारे अनाउंसमेंट कर रहे हैं, किसी का पैसेंजर किसी का छूटा तो लिया, प्लीज जल्दी रहिए, मैं तब तक कश्मीर गेट से निकल गई हमारी बस। अभी तक की सबसे क्लीन बसों में से एक जिसमें मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, अच्छी सर्विस लगी मेरे को। मेट्रो स्टेशन उन्हें 8 बज गया क्योंकि हम कश्मीरी गेट पे अटके पड़े, थोड़ा सा जाम था वहाँ पर, रास्ता क्लियर हुआ था भैया ने थोड़ा सा चला लिया, कुछ देखते हैं कुछ वाले रास्ते से जाएगा या तो सिविल लाइन वाले रास्ते से जाएगी, हाँ सिविल लाइन वाले रास्ते से ही जा रहे हैं। टर्मिनल वहाँ से भी बसेस मिल जाती हैं धर्मशाला जाने के लिए, हिमाचल रोडवेज के। मजनू गटिला गुरुद्वारा 8 बजे और हम लोग अभी यहाँ पर पहुँचे, काफ़ी ज़्यादा जाम है लगे हुए। कैमरा चल रहा है, लाइट ऑन है, ऐसा नहीं है लाइट नहीं चल रही है यहाँ पर। फाइनली मजनू टीला पहुँचे और यहाँ पर लोग बोर्डिंग करेंगे, इनका भी यहाँ से बोर्डिंग है। ये जी बस का, ये जी बस का अभी 8:18 पे मजनू के टीला से बस निकल गई है। बस पहुंच गए हैं यहाँ पे जीटी करना रोड खैबर पास के स्टॉप पे, यहाँ से भी कुछ पैसेंजर अभी चढ़ेंगे। कंफर्टेबल बस है अच्छा लग रहा है, एसी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं यहाँ पर। और अभी हम लोग सिंधु बॉर्डर, ये सिंधु बॉर्डर का एरिया है, हम लोग मोड़ तक पहुँच चुके हैं।
टोल जो है जस्ट पास किया है, अभी तक कहीं पर स्टॉपेज तो हुआ नहीं है हमारा खाने के लिए। देखो कौन सा ये हमारी बस जो है वो ये 17 माइल स्टोन करके ढाबा है, यहाँ पे रुकी है रेस्ट के लिए। बढ़िया आउट एरिया है इसका, यहाँ पे लोग फोटो क्लिक करा सकते हैं, बच्चों के खेलने के लिए झूले लगे हुए हैं। ये झूला देखो, बढ़िया रेस्टोरेंट है भाई, एफिल टावर विद स्काई। इसको भी कुछ खाना पीना है वो यहाँ पे ऑर्डर कर सकता है अपने बढ़िया से, अंदर भी रेस्टोरेंट है। गाइस बात करें बस के कंफर्ट की तो भाई एक नंबर है, बहुत बढ़िया कंफर्ट है, साफ़ सुथरी बस है एकदम। और ये भाई हमारे जो है वो बस के ड्राइवर है, यही कैप्टन है बस के हमारे, और जो कि हमें बस से धर्मशाला लेके जा रहे हैं। और साफ़ सुथरी है, अच्छे से चल रहा है एसी। और यहाँ पे जो रुकी थी बस 17 मिनट लाभा, यहाँ पर खाना भी बढ़िया है। पर टोल प्लाजा पार करते साथ ही ना इन्होंने रोक दिया बस, उन्हें थोड़ी देर के लिए कोई सामान वगैरह बोर्ड कर रहे हैं, रुके हुए हम लोग। देखिए 10:56 हो गए, जो है वो क्रॉस कर रहे हैं। पहला हमारा मूर्ति के यहाँ पड़ा था, फिर पानीपत के, और ये थर्ड है। इसने हमें ये मैक्सिस मॉल है इसके पास में उतारा था, ऑन टाइम नहीं थी बस, 20-25 मिनट लेट हो गए क्योंकि रास्ते में बारिश भी थी, और दूसरा ये कि वो बहुत ध्यान से चला रहा था, बंदे ने कंफर्टेबली हमें छोड़ा है यहाँ पे। और अब हम यहाँ से जा रहे हैं बस स्टैंड के लिए, वहाँ से हम बस लेंगे मैक्लोडगंज जाने के लिए, क्योंकि टैक्सी का जो फेयर है वो काफ़ी ज़्यादा है, और जो बस स्टैंड से मैक्लोडगंज के लिए बस जाती है वो सिर्फ 20 रुपये में ऊपर मैक्लोडगंज उतार देती है। उसका जो डिस्टेंस है यहाँ से वो 10 किलोमीटर का है धर्मशाला से। ये धर्मशाला का बस स्टैंड है,
अगर आपको टैक्सी से नहीं जाना और बहुत सस्ते में मैक्लोडगंज जाना है तो यहाँ से आपको बस मिल जाती है। ये जो लास्ट वाला काउंटर है यहाँ से, ये देख रहे हो सामने बस लगी हुई है मेरी, और इसका रेंट जो है वो सिर्फ और सिर्फ किराया जो है वो 20 रुपये। आप 20 रुपये में मैक्लोडगंज तक जा सकते हो। वहीं जो टैक्सी है वो 400 से 500 रुपये चार्ज करती है। इसका इंटीरियर है, काफ़ी छोटी सी बस है, 2x2 का सिटिंग अरेंजमेंट है और सामने ड्राइवर के पास में कुछ लोग बैठ सकते हैं। ये हमारी बस निकल गई है धर्मशाला बस स्टैंड से। आपको मैक्लोडगंज बस स्टैंड के पास में छोड़ देती है, वहाँ से थोड़ा वॉक करके आपको ऊपर की तरफ आना होता है और बस आप पहुँच जाते हैं मैक्लोडगंज। अगर बात करें बस के फेयर की, वो हमें कैसे मिला, तो उसके लिए क्या करना होगा, आपको इनकी जो वेबसाइट है फ्लिक्स बस की, उसको रेगुलर बेसिस पे चेक करना पड़ेगा। इनके प्राइस ड्रॉप होते रहते हैं, जैसे ही आपको जो टिकट के प्राइस ड्रॉप मिले आप उसको इमिजिएटली बुक कर लीजिए, आपको काफ़ी सस्ते में डील मिल जाएगी। हमें आने की टिकट 470 रुपीज़ की मिली थी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।